हेलो दोस्तों, आरुष हेल्थ केयर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कालपोल पीडियाट्रिक ड्रॉप की, जो कि डॉक्टर्स के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी कंपोजिशन की, इसके यूजेस की और इसके साइड इफ़ेक्ट की, और बात करेंगे बच्चों में इसके डोज के बारे में, जानेंगे पूरी डिटेल, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। कालपोल पीडियाट्रिक ड्रॉप एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक कैटेगरी की मेडिसिन है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग GSK करती है और ये मार्केट में आपको 27 रुपये के प्राइस में मिल जाएगी। इसका 15 ml का ड्रॉप पेपरमेंट फ्लेवर में आता है और ये स्पेशली 1 से 11 महीने के बच्चों के लिए होता है। अगर बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो इसमें 1 ml में पैरासीटामोल की मात्रा 100 mg होती है। इसका इस्तेमाल 1 से 11 महीने तक के बच्चों में बुखार और दर्द में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सिर दर्द, दांत दर्द, बदन दर्द और ज़ुकाम में भी किया जाता है। बात करें पैरासीटामोल की डोज की, तो इसका डोज 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। डॉक्टर हमेशा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही बच्चों की डोज को डिसाइड करता है। हमें कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी बच्चे को इस तरह की मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। बात करें इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट की, तो इसको इस्तेमाल करने से आपको इंडाइजेशन, न्यूजिया और वोमिटिंग जैसे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।